नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी का सबसे नया शो जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस शो में मेरे और आपके बीच कोई दीवार नहीं होगी, मैं सीधा आपसे संवाद करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित, और सबसे पहले बात उन मुद्दों की जो खबरों की भीड़ से आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। बहराइच में 13 अक्टूबर की हिंसा के बाद प्रशासन ने महसी इलाके के कुछ मकानों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया था। आज बुलडोजर एक्शन के डर से कई लोग खुद ही अपने मकानों में हुए अवैध निर्माण तोड़ते हुए दिखाई दिए। पूरी खबर दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों ही गठबंधन अब तक सीट बंटवारे को लेकर उलझन में हैं। 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है, विस्तार से दिखाएंगे। कल जनहित में हमने आपको सलमान खान के पिता सलीम खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने सलमान को बेकसूर बताया था। अब काले हिरण को पूजने वाले विश्नोई समाज ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। राजस्थान के जोधपुर में एबीपी न्यूज से बातचीत में क्या है बड़ी खबर, रखेंगे आपके सामने। जनहित में बात होगी दिल्ली की हवा पानी की भी, जो इन दिनों बेहद खराब है। आखिर कौन है दिल्ली की इस दुर्दशा का जिम्मेदार, और हर साल क्यों फेल हो जाता है दिल्ली का सिस्टम, कौन है दिल्ली का गुनहगार, जानेंगे। साथ ही बात होगी त्योहारों के मौसम में सब्जियों की महंगाई कैसे लोगों का बजट बिगाड़ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सब्जियों के दाम कम नहीं हो रहे, महंगाई से कब तक जूझती रहेगी आम जनता। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित की पहली सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन 28-28 सीटों के फेर में फंसे हुए हैं। तीन तीन पार्टियों के दोनों गठबंधन ने 260 सीटों का पेच सुलझा लिया है, लेकिन 28 ऐसी सीटें हैं जिन पर बात नहीं बन पा रही। इस बीच खबर यह सामने आई है कि बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति में कल बड़ी घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी है, लेकिन दोनों ही गठबंधन इस समय 28 के फेर में फंसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 28 का फेर क्या है, तो आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र की वो 28 सीटें हैं जिन पर दोनों ही गठबंधन में शामिल पार्टियों ने पेच फंसा दिया है। सत्ताधारी महायुति की बात करें तो अमित शाह के साथ हुई बैठक में 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में बनी सहमति के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 142 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 66 सीटें, एनसीपी अजित पवार गुट को 52 सीट देने पर सहमति बन गई है, लेकिन 28 सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। 28 सीटों पर फैसला होने के बाद महायुति में शामिल दलों की सीटों का आंकड़ा कुछ इस तरह से हो सकता है। बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 70 से ज्यादा सीटें, एनसीपी अजित गुट को 60 से ज्यादा सीटें दी जा सकती है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है, और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा। सूत्रों की माने तो महायुति रविवार को मुंबई में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बड़ी राजनीतिक खबर आपको देते हैं। वायनाड उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है। वायनाड लोकसभा सीट से नाव्या हरिदास उम्मीदवार बनाई गई हैं। प्रियंका गांधी से नाव्या का सीधा मुकाबला होगा। आपको बताते चले कि नाव्या पेशे से इंजीनियर हैं, सिंगापुर में नौकरी करती थी, युवा चेहरा है, उनको अपना उम्मीदवार वायनाड की सीट से बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके पहले राहुल गांधी के सामने अपने केरला अध्यक्ष को उतारा था, लेकिन राहुल गांधी को जीत हासिल हुई। बाद में दो सीटों से जीतने के बाद उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, और वहां से प्रियंका गांधी से नाव्या मुकाबला करने के लिए वायनाड की सीट पर उतरेंगी। झारखंड, जहां पर चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी पहली बार पहुंचे और जाते ही माहौल गर्मा दिया। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में भी वो एक बार फिर संविधान और जाति जनगणना के मुद्दे पर बैटिंग करेंगे। रांची के शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
सभागार में करीब 500 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। राहुल गांधी दोपहर बाद शौर्य सभागार पहुंचे, करीब 20 मिनट स्पीच दी, संविधान की कॉपी हाथ में थामकर बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। ये जो लड़ाई चल रही है और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी आदिवासी और वनवासी शब्द के बीच का फर्क भी समझा गए, सवाल भी उठा गए कि संसद भवन के उद्घाटन में आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की हैं, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। राहुल गांधी ने फिर देश के अमीरों की लिस्ट का जिक्र किया, दलितों आदिवासियों और ओबीसी का नाम न होने का दावा किया, संविधान पर खतरा बताया। हमने सिर्फ यह दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में राहुल गांधी की पहली पब्लिक मीटिंग थी, जिसमें यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह ही संविधान को लेकर अपने तर्कश के हर सियासी तीर का इस्तेमाल करेगी। संविधान और जाति जनगणना, कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को अब भी ट्रंप कार्ड मान रही है। लोकसभा चुनाव ने उसकी सीटें दोगुनी कर दी थी, वहीं बीजेपी कह रही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ना देने के राहुल गांधी के आरोप का खुद राम मंदिर ट्रस्ट खंडन कर चुका है। राहुल गांधी ने झारखंड की चुनावी टाइमिंग और आदिवासी वोट को लेकर फिर आरोप लगाए तो बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास खोल दिया। झारखंड के आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, उनका अलग ही हिस्ट्री है। झारखंड आंदोलन को भी कुचला है, झारखंडियों को ऊपर में गोली चलवाया है। वहीं संविधान खत्म करने के आरोप पर झारखंड में असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने जोरदार ढंग से घेरा। हेमंता ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के बाद पिछले दिनों राहुल गांधी ने ही कही थी, झारखंड के लोग वोट के दिन इसे याद रखेंगे। आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है। एससी रिजर्वेशन का खत्म करने का बात करते हुए, आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। बीजेपी ने कहा कि सोरेन सरकार और कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली जुगलबंदी से झारखंड परेशान है और इसे सिर्फ मोदी पर भरोसा है। पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को जो धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है। झारखंड में एनडीए सीटों का बंटवारा कर चुका है, बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी। और झारखंड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। झारखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई है, बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। धनबाद से चुनाव लड़ेंगे बाबू लाल मरांडी, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि किसको कहां से उतारती है बीजेपी। जानकारी निकल कर आई है, धनबाद से बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन दोनों को ही टिकट दिया गया है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़ा चेहरा थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अब बाप बेटे दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। जबकि सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट मिला है, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भी टिकट यहां पर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामों का ऐलान कर दिया गया, वो लिस्ट भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के लिए सूखा है अभी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां पर वो इस बार कमाल करने की जुगत में लगी हुई है। यही कारण है कि तमाम जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी चेहरे आगे रखते हुए बीजेपी ने ये आज की लिस्ट जारी की है। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भी टिकट मिला है और बीजेपी की ओर से 66 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बाकी सहयोगी उम्मीदवारों के लिए छोड़ी गई है। बात करेंगे बहराइच की, जिसका विवाद अपने तीसरे राउंड में पहुंच गया है। पहला राउंड जिसमें हिंसा थी, दूसरा राउंड जिसमें एनकाउंटर था और अब तीसरा राउंड जिसमें बुलडोजर है। और ये बुलडोजर भी अभी पहुंचा नहीं है, अभी तो सिर्फ उसकी आहट से ही वहां पर खलबली मची हुई है।
बहराइच के महाराजगंज में आज दूर दूर तक बुलडोजर नहीं दिखा, लेकिन बुलडोजर की दहशत पूरी दिखी। बहराइच में 23 मकानों पर नोटिस लगाकर सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। आज लोगों ने खुद ही हथौड़े उठा लिए। हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद ने भी घर में एक दुकान बनाकर किराए पर दे रखी थी, आज वो भी खाली कर दी गई। तोड़ा जाएगा और यहाँ पर जो दुकान थी, देखिए उस दुकान से जो लोग हैं वो अब अपना सामान निकाल रहे हैं। आज शनिवार का दिन 19 तारीख और 19 तारीख को 18 तारीख को नोटिस चस्पा होने के बाद अब 19 तारीख को लोग अपना सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग घरों से भी। अब्दुल हमीद और सरफराज के वकील ने आरोप लगाया है कि सिर्फ 3 दिन का नोटिस देना सीधे सीधे दहशतगर्दी है। चूँकि सर भी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब अवैध निर्माण के दायरे में कई हिंदू भी हैं, उन्हें शिकायत है कि शुरुआत उनके घर से क्यों हो रही है। दस घर पश्चिम ले रहे हैं तो 10 घर पूरब के उधर भी ले ले, दोनों लंग तोड़ दें। अब इधर पश्चिम में कुल विवादित हो रही है, हम भी तो हिंदू हैं, हमारी कौन गलती है। ये पीछे अपना खेत पड़ा है खाली, ऐसा भी तो नहीं है कि यहाँ पे टूट जाएगा तो पीछे जगह पड़ी हम बनवा लेंगे। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले इस सड़क को सिर्फ 30 फीट चौड़ा करने का प्लान था, अब 60 फीट इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ घरों को पूरी तरह से ढहाना है। बहराइच के महाराजगंज इलाके में आज दूर दूर तक बुलडोजर दिखा नहीं, लेकिन बुलडोजर की दहशत पूरी दिखी। बहराइच में 23 मकानों पर नोटिस लगाकर सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं, आज लोगों ने खुद ही हथौड़े उठा लिए। और इन सब के बीच आपको बताते चलें, बहराइच के बहाने यूपी की हर पार्टी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपना अपना मैसेज देना चाहती है। उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक ली और उन्हें उपचुनाव में जीत का मंत्र दिया। हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक के बाद क्या यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बटोगे तो कटोगे बीजेपी के प्रचार का मुख्य स्लोगन होगा। यूपी के मंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने जीत के जो मंत्र दिए उससे यही संकेत है कि पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर डटी रहेगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर सीट पर जीत के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करें। उपचुनाव जीतना जनता का विश्वास जीतने के लिए जरूरी है। सारे मंत्री जनता के बीच रहे, चौपाल लगाकर समस्याएं सुने। बैठक में तय हुआ कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने के लिए योगी सरकार के मंत्री सभी 9 विधानसभा सीटों में कैंप करेंगे। प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक सभी की टीम और जिम्मेदारियां तय होंगी। पूरे चुनाव पर नजर रखने के लिए लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनेगा। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 से लेकर अब तक बहुत शानदार काम किया है। लोकसभा चुनावों में खराब नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी का ये पहला इम्तिहान है। उम्मीदवारों की घोषणा में समाजवादी पार्टी पहले ही बढ़त बना चुकी है। मिल्कीपुर समेत इन 10 सीटों पर दोनों खेमे बराबर थे। 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 5 सीटें एनडीए के पास थी। और अब जनहित में बात उस बड़े इंटरव्यू की जिसने मुंबई से राजस्थान तक हलचल मचा दी है। कल एबीपी न्यूज ने सलमान खान के पिता सलीम खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया था। उन्होंने कहा था कि जब सलमान ने काले हिरन को मारा ही नहीं तो वो किस बात की माफी मांगे। सलीम खान के उस बयान पर बिश्नोई समाज ने कड़ी नाराजगी जताई है। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जनहित में अब बात आपको बताते चले कि मुंबई से हमने आपको बताया सलीम खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें तमाम बातें उनकी ओर से विस्तार से की गई थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शक जताया जा रहा है कि जिन हथियारों से बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई गई वो पाकिस्तान से लाए गए थे। सिद्दीकी हत्याकांड पर बेहद हैरान करने वाली ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको।
मुंबई के पॉश इलाके में हुए सनसनीखेज कत्ल ने देश को झकझोर दिया था। हफ्ता भर हो चुका है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। आज भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान से आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन हथियारों से बाबा का मर्डर किया गया वे काफी एडवांस थे। इन हथियारों को राजस्थान से मुंबई लाया गया था। सवाल यह है कि राजस्थान में इतने एडवांस हथियार कहां से आए? क्या इन हथियारों को पाकिस्तान से लाया गया था? पुलिस बता चुकी है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में 3 पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया की ग्लॉक पिस्तौल, एक तुर्की पिस्तौल और एक देसी पिस्तौल थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे हथियार राजस्थान में बॉर्डर पार पाकिस्तान से आते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, क्या इस बार भी ऐसा ही तो नहीं हुआ? मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान में इसी का पता लगा रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी के मोबाइल से सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की तस्वीर मिली है। पता ये भी चला है कि ये तस्वीर आरोपियों के हैंडलर ने मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए शेयर की थी। जांच में ये भी पता चला है कि सिद्दीकी हत्याकांड के साजिशकर्ता स्नैपचैट के जरिए ही शूटरों से संपर्क करते थे। उधर अमेरिका ने भारतीय नागरिक विकास यादव पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। विकास पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। दिखाते हैं विकास यादव कौन है और उसके खिलाफ आरोपों में कितना दम है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम विकास यादव है, जिस पर अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप तय कर दिया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने आरोप लगाया है कि विकास यादव भारत का अफसर है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि विकास यादव अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। ये बात अब अमेरिका ने भी स्वीकार की है और माना है कि भारत की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। Are satisfied with the cooperation. It continues to be an ongoing process. We continue to work with them on that, but we do appreciate the cooperation and we appreciate them updating us on their investigation as we update them on ours. अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक पन्नू को मारने की साजिश पिछले साल सितंबर में PM मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त की गई थी। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में अमेरिका ने 2 आरोपी बनाए थे। पहले आरोपी का नाम निखिल गुप्ता और दूसरे को CC1 नाम दिया गया था। निखिल गुप्ता को पहले ही चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका की FBI ने विकास यादव को ही CC1 बताया है, जो भारत लौट आया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आरोप लगाया था कि विकास यादव ने पन्नू का प्लान तैयार करके उसमें निखिल गुप्ता को शामिल किया और विकास ने ही आतंकी पन्नू से जुड़ी हर जानकारी गुप्ता को दी थी। बाद दिल्ली में पॉल्यूशन इमरजेंसी की, देश की राजधानी पर प्रदूषण का डबल अटैक हुआ है। हवा सांस लेने लायक नहीं है तो यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट को पार कर गया है। देश की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के हर साल का दर्द सामने रखती यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। धुंध के आगोश में लिपटा ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, जिसे बमुश्किल 100 मीटर के फासले से भी साफ देखना मुमकिन नहीं है। अक्षरधाम ही नहीं, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में ऐसा ही हाल है। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। कल जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल दिल्ली में इस साल में सब हवा का जो गुणवत्ता का स्तर था वो सबसे ख़राब था, जब AQI 285 दर्ज किया गया, जो कि खराब की श्रेणी में था। सर्दी ने दस्तक भी नहीं दी है कि दिल्ली गैस चैम्बर बनने लगी है। आसमान में दिन भर धुंध छाई रही, कई इलाकों में AQI 400 पार पहुँच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं घर में ही रहें। दिन में कम से कम ऐसे 50-60 पेशेंट आते हैं जो कि सिंपल खांसी जुकाम के साथ आते हैं। उनके लंग्स का कंडीशन देखें तो उनमें से कोई 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको निमोनिया डेवलप हुआ होता है। वायरल लाइक इलनेस है जो कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से एग्रीवेट हो रही है, इसलिए लंग और थ्रोट फाइंडिंग ज्यादा मिलती है, बट उनका असर कहीं ना कहीं बॉडी के हर पार्ट पे आता है।
राजधानी दिल्ली में सिर्फ हवा ही जहरीली नहीं हुई है, यमुना भी अपने मुकद्दर पर आंसू बहा रही है। यमुना में लगातार दूसरे दिन सफेद झाग की मोटी परत नजर आई। चारों तरफ एक बार आप नजर डालिए, ये जो आपको चारों तरफ झाग की मोटी परत नजर आएगी, दरअसल ये परत नहीं बल्कि मेडिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तमाम केमिकल है जो यमुना के पानी में मिलकर इस तरीके से झाग बनाता है। वैसे कई इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए इतना काफी है? वैसे प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए नया नहीं है। हर साल सर्दियां आने के साथ ही हवा और पानी में जहर घुल जाता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सरकार हर साल ये वादा करती है कि अगले साल प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन सर्दियां खत्म होती ही तमाम वादे हवा हो जाते हैं और फिर एक बार वही पुराने वायदे नए शब्दों के साथ मौजूदा वक्त में जब सर्दियां अब धीरे धीरे करके करीब आ रही हैं दोहराए जा रहे हैं। इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए। अब हरियाणा में पराली जल रहा है, उसकी चिंता चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए पराली जल रहा है, कोई बात नहीं कि इस बार पंजाब में पराली जलने की घटना लगभग 30% कम हुई है, वहीं हरियाणा में करीब 28% बढ़ी है। तेरा प्रदूषण मेरा प्रदूषण, दिल्ली की हवा जब भी जहरीली हुई है, प्रदूषण को लेकर होने वाली राजनीति को भी मकाम मिला है। कि पॉल्यूशन कोई दिल्ली का आइसोलेशन सब्जेक्ट तो नहीं है ना, कोई हम दीवार लगा देंगे और हरियाणा का हवा नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश का हवा नहीं आएगा। ये सब बेशर्म लोग हैं, इन लोगों को ना शर्म नहीं आती जो 10 साल से शासन में बैठे हैं, फिर भी दोषारोपण दूसरे के लिए करेंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन दिल्ली की एक हकीकत ये भी है, प्रदूषण के सफेद झाग की चादर ओढ़े ये वही यमुना है जहां 3 हफ्ते बाद लोग छठ के दौरान आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये वही यमुना है जिसे टेम्स जैसे साफ बनाने के दावे होते रहते हैं। 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। ये बात दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाने पर अरविंद केजरीवाल ने कही थी, 8 साल के बाद फिर वही कहा। मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। 2020 के एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर मैंने 2025 तक यमुना को साफ नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। अब यमुना कितनी साफ हुई है उसकी गवाही ये जहरीला झाग दे रहा है। जो केजरीवाल साहब को 3,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए, जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के गिरते हैं, उनके मुहाने पर सीटीपी प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिए थे, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रदूषण ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताती है, आप बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती है। इस सब के बीच यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहाती है। अब आपको मिलवाते हैं 100 करोड़ के चाय वाले से। अगर आप सोच रहे हैं कि उसने चाय से 100 करोड़ रुपए बना लिए तो ऐसा है नहीं, ये कमाई विशुद्ध रूप से ठगी और धोखाधड़ी का है। रायपुर की इसी दुकान पर बैठकर भुवनेश्वर साहू चाय बेचता था, लेकिन 10 रुपए की चाय में से दूध पत्ती अदरक चीनी का खर्चा घटकर भुवनेश्वर साहू कितना कमा लेता और कितना बचा लेता, इसीलिए उसने चाय छोड़कर चिटफंड को चुना और 100 करोड़ का आसामी बन गया। वो भी ऐसे जिसे जानकर अच्छा खासा नटवर लाल भी चक्कर खा जाए। सुनिए तो सही, भुवनेश्वर साहू खुद को शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी बताता था, लोगों को बहकाता था कि शेयर ट्रेडिंग करके 2 गुना मुनाफा दिला देगा। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए लोगों को छोटे छोटे मुनाफे दिलवाए, फिर लोगों से लाखों रुपए का निवेश करवाया और रकम लेकर चंपत हो गया। वैसे अब चाय वाला ये महाठग अब सलाखों में पहुंच गया है, जिसमें उसको विधिवत उनको गिरफ्तार करके दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है और प्रकरण में भी विवेचना कर रहे हैं किनके द्वारा और कहां कहां से, और इसमें और किसी प्रकार का कोई गैंग गिरोह तो शामिल नहीं है। शातिर ठग ने 2 गुनी रकम का झांसा देकर 400 लोगों से ठगी की और 100 करोड़ से ज्यादा रकम अपने खाते में जमा करा ली। लोगों को उसकी चाय की टपरी पर पहुंचकर ठगी पता चली। मेरे पीछे जो ये आप साहू टी स्टॉल देख रहे हैं, भुवनेश्वर साहू पहले इसी
चाय की दुकान में चाय बेचा करता था। मेरे को इतना भी वो नॉलेज था, मेरे कभी इतना सब हुआ ना तब पता चला कि ऐसा सभी कुछ होता है। घर में जब बातचीत चला ना तब पता चला। पता ये भी चला कि भुवनेश्वर साहू ने 10% कमीशन पर ऐसे लोग रख रखे थे जो लोगों को झांसी मिलाकर उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाते थे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप वाला सौरभ चंद्राकर भी लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। चाय वाले साहू की तरह चंद्राकर भी कुछ साल पहले जूस बेचता था। बीते कुछ वर्षों में साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं। आए दिन डिजिटल अरेस्ट और ठगी की वारदात सुनने को मिलती है। लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए भारत सरकार और आईटी कंपनी मेटा ने स्कैम से बचाव अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सरकारी एजेंसियां और मेटा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाले ऑनलाइन स्कैम पर नकेल कसेंगे। इस अभियान का मकसद लोगों को सुरक्षित और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है। इसके जरिए लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि डिजिटल फ्रॉड होता क्या है और उससे अपने आप को कैसे बचा कर रखें। आंकड़ों के मुताबिक देश में 9 करोड़ लोग सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश में हर महीने डिजिटल अरेस्ट के 200 मामले दर्ज हो रहे हैं, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में हर महीने साइबर फ्रॉड के 7000 मामले दर्ज होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में साइबर ठगी के 11 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी और पासवर्ड हैकिंग के होते हैं। तो इससे आपको भी बचे रहने की जरूरत है, इसी वजह से यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी थी। आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार की करेंगे, जहां के सियासी गलियारों में इन दिनों गिरिराज सिंह की चर्चा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिंदुत्व के बहाने बीजेपी फायर ब्रांड नेता गिरिराज का चेहरा परोस रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बहाने गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति में बड़ी पारी खेलने का इशारा दे दिया है। दिन दूसरा था, जगह दूसरी थी, लेकिन अंदाज वही था। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन गिरिराज सिंह कटिहार पहुंचे तो शुरुआत शिव मंदिर चौक यज्ञशाला में पूजा अर्चना के साथ की। फिर राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे तो वही बातें कहने लगे जिनके लिए गिरिराज सिंह जाने जाते हैं। सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। गिरिराज की यात्रा बिहार के जिन 5 जिलों से गुजर रही है उनमें बड़ी मुस्लिम आबादी है। विपक्ष यात्रा के मकसद को लेकर आज फिर सवाल खड़े कर रहा है। मैं यहाँ असली और नकली दो मुसलमान हैं। एक असली हैं देशी जो 71 के पहले वाले हैं और 71 के बाद वालों की भीड़ आई है। 71 के पहले वाले मुस्लिम भी अब इन मुसलमानों से निजात चाहते हैं। गिरिराज की यात्रा को लेकर जेडीयू ने भी नसीहत दे दी है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, सीधा उसका रुख करेंगे। दिल्ली के वेलकम इलाके में फायरिंग हुई है, 2 गुटों में फायरिंग की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फायरिंग में एक महिला को गोली लगी है, करीब 20 राउंड फायरिंग की गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है इसका इंतजार किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन दिल्ली के वेलकम इलाके में फायरिंग की खबर है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मौके पर पुलिस वालों की मौजूदगी है। 2 गुटों में झगड़े के बाद वहां पर फायरिंग हुई है, फायरिंग में एक महिला को गोली लगने की खबर है। 20 राउंड फायरिंग की गई। अब वो इंटरव्यू की खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही किया था। मुंबई से लेकर राजस्थान तक इस इंटरव्यू ने हलचल मचा कर रखी हुई है। एबीपी न्यूज ने सलमान खान के पिता सलीम खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। उनकी ओर से कहा गया था कि सलमान खान ने तो काले हिरन को मारा ही नहीं है, तो फिर वो किस बात की माफी मांगे। सलीम खान के उस बयान पर बिश्नोई समाज की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है कि किससे माफ़ी मांग लो, क्यों मार कि क्यों 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 मांग लो, तो कोई क्यों गुनाह क्या है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सलीम खान ने साफ कहा कि सलमान खान ने काले हिरण को नहीं मारा था। बिश्नोई समाज का कहना है कि बेटे को बचाने के लिए सलीम खान ऐसी बातें कर रही हैं। गलत बोल रहे हैं, उनको सशस्त्र वहाँ पकड़ा है लोगों ने, पकड़ करके उसको प्रस्तुत किया, तभी तो उसके ऊपर जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो है इस बात को जो है चल रहा है मुकदमा, उसको जेल बोल दी।
मुकाम मुक्ति धाम बिश्नोई समाज का सबसे पवित्र धाम है और लॉरेंस बिश्नोई ने इसी मंदिर में आकर सलमान खान से माफी मांगने को कहा था। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने सलीम खान के बयान का विरोध किया और कहा कि सलमान खान और उनका परिवार झूठ बोल रहा है। उसको निचले कोर्ट में सजा हुई, क्या अदालत, वन विभाग, पुलिस, गवाह सारी झूठी और ये सच्चा है? एक नंबर का झूठा आदमी। सलीम खान के ताजा बयान से बिश्नोई समाज नाराज है, लेकिन उनका कहना है कि अगर सलमान खान यहां आकर माफी मांग ले तो समाज उन्हें माफ कर देगा। समाज माफ कर देगा तो वो अपने आप माफ हो जाएगा, लेकिन सरेआम दोषी है हमारे, ये जो माँ बहने सब है, इन्होंने सब ने देखा है। सलमान खान आके मुकाम में मंदिर के अंदर माफी मांग लेवे तो बिश्नोई समाज एक ही बात है, माफ कर सकता है। दोनों ही पक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने के मूड में नहीं है, तो वहीं सलीम खान ने साफ कर दिया है कि जब सलमान खान ने कोई अपराध ही नहीं किया तो माफी किस बात की। त्योहारों का सीजन जारी है, कल करवा चौथ है, 10 दिन के बाद दिवाली है, लेकिन महंगाई की मार त्योहार के जश्न को फीका बना रही है। दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ या भोपाल, देश के ज्यादातर हिस्सों में सब्जियों और फलों के दाम में आग लगी हुई है। पब्लिक परेशान है कि त्योहार पर खरीदारी करे भी तो कैसे। टमाटर 120 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, ये वो तीन सब्जियां हैं जिनके बिना शायद एक वक्त का खाना भी नहीं बन सकता है। लेकिन लाल टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ग्राहक सुनकर ही लाल हो जा रहे हैं। फिर भी मैं खुदरा में तो और महंगी है, इसीलिए मंडी आए, मंडी का भी वही रेट है। तो आम जनता पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए सस्ती होनी चाहिए वैसे तो। अब ये तो देखो जो सिस्टम है, ये तो वही जाने क्या सिस्टम है। सब्जियों के दाम में आग आखिर लगी क्यों, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली की ओखला मंडी पहुंची, जहां कारोबारियों ने महंगे ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉक की कमी और नए स्टॉक में देरी को वजह बताया। पीछे से माल कम है, कमी आ रहा है तो कमी बिक रहा है। पैदावार कम है मैडम, पैदावार कम है इसलिए यहाँ दो बोरी बिकना है, वहाँ एक बोरी बिक रहा है इस तरह। अब वहाँ से बाढ़ आई हुई है टमाटर की जगह, तो वो तो महंगा होगा ही होगा। जब बारिश से खराब हो गई तो कम तो आएंगे। अभी बेंगलोर आ रहा है ना, शिमला तिमला आ रहा, सब दूरी से आ रहा है तो महंगा तो रहेंगे ही। वही खरीदारों की दलील है कि थोक कारोबारी ब्लैक मार्केटिंग में जुटे हैं और जानबूझकर खुदरा मार्केट में सब्जियों की शॉर्टेज बताकर उनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि सर्दियां बढ़ने के साथ ही मार्केट में सब्जियों के नए स्टॉक पहुंचने लगेंगे, तभी दाम में कमी आएगी। दिल्ली से संवाददाता मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज। महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है, तो बात अब आम आदमी के पैसों की भी कर लेते हैं। आप दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, फिर उसे सही जगह निवेश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बचत मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। बदलते वक्त के साथ निवेश का तरीका भी बदला है। पहले FD और इंश्योरेंस करवाते थे, लेकिन अब लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कैपिटल मार्केट में छोटे शहरों और गांवों की भागीदारी बढ़ी है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट में 47% हिस्सेदारी देश के सीनियर सिटीजन की है। वहीं युवा अब कैपिटल मार्केट में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आते हैं। 2023-24 में देश में तकरीबन 15 करोड़ DMAT अकाउंट खुले हैं। इसके लिए लोग अब बैंक तक भी नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट सीधे मोबाइल ऐप के जरिए बढ़ा लेते हैं। पिछले 5 साल में देश की म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री डबल हो चुकी है। 2019-20 में ये इंडस्ट्री तकरीबन 23 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2024 आते आते 54 लाख करोड़ से ज्यादा पर पहुंच गई है। कैपिटल मार्केट में गांव की भागीदारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इंटरनेट। पिछले 1 साल में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंटरनेट सब्सक्रिप्शन लिया है। वहीं 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया है। स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट बता रही है कि देश की इकोनॉमी में बड़े शहरों के साथ ही साथ छोटे शहरों और गांवों की भागीदारी बढ़ी है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है। और अब आज का जनहित स्पेशल। अगर आप अच्छे और योग्य हैं तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ज्यादा पढ़ लिख कर आपने भूल तो नहीं कर दी, या फिर बच्चों को पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब जैसी शिक्षा देकर आप गलती तो नहीं कर रहे। देखिए, आ
आप अपने बच्चों को खूब पढ़ने लिखने और सीखने के लिए कहते हैं ताकि वो योग्य बन सके, भविष्य में अच्छी नौकरी मिल सके, मोटा सैलरी पैकेज मिल सके, योग्यता से सारे सुख संसाधन जुटा सके। लेकिन दिल्ली में गूगल की एक कर्मचारी को ज्यादा योग्य होने की वजह से नौकरी नहीं मिली। गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक स्टार्टअप कंपनी में आवेदन किया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पूछने पर कंपनी का जवाब चकरा देने वाला था। उसने लिखा, आपके रिज्यूमे देखने के बाद हमने महसूस किया कि आपकी योग्यताएं हमारे जरूरत से कहीं ज्यादा है। हमारा अनुभव है कि नौकरी की जरूरत से अधिक योग्य लोगों को अक्सर अपना काम अधूरा लगता है। इसकी वजह से स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग कंपनी ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही नौकरी छोड़ देते हैं। गूगल कर्मचारी ने स्टार्टअप फर्म का ये जवाब सोशल मीडिया पर ये लिखते हुए शेयर किया, मुझे नहीं पता था कि बहुत योग्य होना भी रिजेक्ट होने का कारण होता है। ये लिखने के बाद से सोशल मीडिया पर तर्कों की लड़ाई चल रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो क्या ज्यादा अच्छे इंसान ना बने, ज्यादा पढ़ना लिखना बेकार है। कुछ कह रहे हैं कि कंपनी पैसे पोजीशन का बहाना भी बना सकती है, टिके रहने का एग्रीमेंट भी साइन करा सकती है। कुछ कह रहे हैं कि ऐसे रिजेक्शन बड़े कॉमन है, इसे सोशल मीडिया पर शेयर करके पब्लिसिटी पाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ज्यादा पढ़ा लिखा होना, योग्य होना, वो आपको भीड़ से अलग बनाता है। कितनी भी मुश्किलें आए वो आपको जरूर आगे लेकर जाता है। जनहित में चलते चलते आज का जरूरी मंत्र भी बता देते हैं आपको। जीवन में विजेता अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। इसी के साथ अभी के लिए जनहित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे।